जनपद कानपुर नगर में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस कमिश्नर कानपुर असीम अरुण द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत एसीपी लॉ एंड ऑर्डर एवं एडीसीपी साउथ दीपक भूकर के निर्देशन में थाना अरमापुर की पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इस पर प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए एडीसीपी साउथ दीपक भूकर ने बताया, ये 26 तारीख की रात्रि को अरमापुर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मार के हत्या की गई थी। उसी संदर्भ में जो सर्विलांस टीम स्वाट टीम के द्वारा इमीडिएटली 12 घंटे में पहले दो अभियुक्त किरण और सोनू को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो दो अभियुक्त थे दीपू और उसका भाई पुष्पेंद्र, दोनों फरार थे। स्वाट टीम ने इमीडिएटली डिफरेंट जगह जो थी उनके हाइड आउट्स थे उन पर दबिश दी और उन दोनों को गिरफ्तार किया। दीपू के पास से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है और जो पूरा ये घटनाक्रम था ये प्रेम प्रसंग को लेके हुआ था इनका आपसी विवाद। और जो गोली चलाई गई वो सोनू, जो ऑलरेडी हम जेल भेज चुके हैं, और आज जो दीपू, इनको अरेस्ट किया गया। दोनों से अवैध तमंचा बरामद किए गए और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से शीनू शाह की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।